कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल और गुप्त साधना बताने जा रहे हैं। और ये साधना जो है आज नई साधना नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन साधना है। और यह साधना हमें लगता है पूर्णतया लुप्त हो चुकी है। और इस साधना को रकत परिसाधना कहते हैं। ये रकत परिसाधना, इस शब्द को आप सुधारने की कोशिश मत कीजिएगा, यह ज्यों का त्यों शब्द है। यह ग्रामीण भाषा में कहा जाने वाला एक शब्द है, रकत परी। तो ये रकत परी एक देवी हैं और ये माता काली की स्पेशल योगिनी है। और एक समाज है जिसका मैं आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, उस समाज की ये कुल देवी है। उनमें कुल में पूंजी जाने वाली ये देवी हैं। और इनका जो भोग है वो बहुत ही तामसिक भोग है, जिसमें बकरे की बलि का विधान है। और धीरे धीरे यह विधान जो है लुप्त होता जा रहा है हर समाज से। शायद कुछ लोग ही हैं जो बलि विधान का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यह विधान धीरे धीरे सात्विक में आ गया है। नॉर्मल सी पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन बलि का विधान अब किसी शायद कुल में लोग नहीं करते हैं। इसमें परिवर्तन आया है। और ये जो देवी है, ये इनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो आप इनकी साधना कर लेते हैं, तो आप हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जो साधना आप 6 महीने 4 महीने में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, इस साधना के माध्यम से आपको इतनी कृपा प्राप्त हो जाती है कि आप किसी के विषय में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। यह साधना तामसिक रूप में की जाती है और मात्र 21 दिनों की साधना है। अगर आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अन्यथा एक दिवसीय साधना है, आप एक दिन की साधना कर लीजिए, आपको देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और ये महाकाली की स्पेशल योगिनी है, जो रक्त दंतिका जो माता का रूप है, जो रक्त को पीने वाली, उनकी ये स्पेशल योगिनी है। इन्हें रकत परी के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को इनका मंत्र, इनका विधान आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवती रक्त पीठम नमः। ओम नमो भगवती रक्त पीठम नमः। आप ये मंत्र नोट कर लीजिए, इसको मात्र 31 माला पढ़ना है एक दिन एक बैठक में। सामने आप शराब का भोग रखेंगे, कलेजी का भोग रखेंगे और मीठा रखेंगे, और साइड में भैरव बाबा के लिए भी प्रसाद रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे किसी भी आप देवी की आराधना कर रहे हैं वहाँ पर भैरव बाबा के लिए भोग अनिवार्य होता है, शायद आप लोगों को पता हो। तो ये साधना आप एक दिन कर लीजिएगा, आप देखेंगे देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये एक योगिनी है, इन्हें आप योगिनी माता कह सकते हैं, लेकिन यह देवी की श्रेणी में आती हैं, इसलिए आप देवी माता भी कह सकते हैं, योगिनी माता भी कह सकते हैं। और अगर आप इनका नित्य जाप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये ऐसी शक्ति है आपके सिर पे आने लगेगी, आपके सिर पे आकर के बात करेगी, यानी कि हाजिरी आपको आपके यहाँ देगी। और आपके ऊपर तंत्र किसी प्रकार से नहीं चलेगा, किसी प्रकार से कोई आपका अहित नहीं कर सकता। आप इस एक ही साधना करने के बाद आप गद्दी लगा सकते हैं, ठीहा लगा सकते हैं, और एक ही ये साधना कर लेने के बाद आपके पास कई प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे ही प्रसन्न होती है कई प्रकार की शक्तियाँ आपके पास आ जाती हैं, भैरव कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप किसी शमशान भूमि में बैठ करके आप शक्ति का वाहन करते हैं, तो आप शमशान को भी उठा करके किसी के पास भेजने में, यानी कि चौकी चलाने में आप सक्षम हो जाते हैं। और ये साधना जब आप कर रहे होते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो ये जो देवी हैं, अगर आप उनकी पूजा कर लेते हैं तो आपकी कुल देवी के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। जब ये साधना आप लोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे
कि आपकी कुल देवी यह बन जाती हैं और आप इनके पूजा पाठ जब करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भय नुकसान नहीं होता है, आपका कोई अहित नहीं कर सकता है। अगर आपके घर में कोई चोरी करने भी आता है तो ये उसे स्तंभित कर देती हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन उसे स्तंभित कर देती हैं और उसे दंड भी देती हैं। आपकी किसी प्रकार की कोई भौतिक या सूक्ष्म जगत से किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आप जब देखेंगे कि ये साधना आप कर रहे होंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई विघ्न या कोई ऐसा प्रयोग आप पे नहीं चलने वाला, किसी प्रकार के आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कवच की आवश्यकता नहीं है। और आप इस जो माता हैं रगत परी है, आप इनके नाम से व्रत भी रख सकते हैं, नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं। और एक इसका और विधान रहा है कि आप किसी भी अमावस्या के दिन माता के नाम से व्रत रखिए, व्रत रह के बाद शाम को पूजा पाठ कीजिए, बगैर मंत्र के ये प्रसन्न हो जाती हैं। सिर्फ इनके माता के नाम से व्रत रखिए, शाम को पूजा पाठ कीजिए, व्रत खोलिए और माता को पूर दीजिए, बगैर मंत्र के बगैर अनुष्ठान के ये माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बना कर रखती हैं। आप इनकी अपने घर में चौकी बना सकते हैं और आप उसी चौकी के ऊपर आप जैसे ही लौंग का जोड़ा या भोग रखेंगे, कहेंगे माता अपना भोग स्वीकार करें, तो माता भोग अपना स्वीकार कर लेती हैं। और जब भी आपको ठीहा चलाना हो, गद्दी चलाना हो, तो आप लौंग चावल आदि उसके ऊपर ढेरी लगा दें और जो भी व्यक्ति आता जाए माता के नाम से उठा करके सिर्फ देते जाएं। आपको मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपका ठीहा चलने लगेगा। लोग इसे करते भी हैं, चलाते भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग ऐसे साधक हैं जो शिक्षा उनकी कम है और प्राचीन पुराने साधक हैं, साबर पद्धति से प्रयोग करते हैं, तो उनके पास ये साधना पाई जाती है और बगैर मंत्र के पाई जाती है। तो आगे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी साधनाएं दूंगा जो बगैर मंत्र के चलने वाली, सिर्फ नाम लेना है और भोग देना है, उनके नाम से व्रत रखना है और आपको ऐसी साधनाएं मिलेंगी और आप उन साधनाओं के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं, अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आप लोग ये साधना कीजिए और एक दिन की साधना ये आप जो है किसी भी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा की रात को, अमावस्या की रात को या पूर्णिमा की रात को कर लीजिएगा। अगर इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उससे आगे आप इसे बढ़ा सकते हैं। जय शिवा शक्ति।